कहा है कि बेटा तुमसे नहीं हो पाएगा। यार कितना बड़ा पट्टा बांध के आता है यार वो भाई, पट्टे से गेंदबाजी नहीं होती मेरे भाई। हार्दिक मेरे लाल, ये क्या कर रहा मेरे भाई तू, क्यों मुंबई वालों के नाक कटवा रहा दोस्त, ये जी। क्या कर रहा भाई, हर बार तू 200 रन खाएगा भाई। 3 ओवर में कितने रन खाए हैं जरा डिस्प्ले करिए हार्दिक पांड्या को। 41 रन उनको, देखिए 43 रन पड़े हैं, 43 रन 3 ओवर में उन्होंने खर्च किए, 2 विकेट उनको मिला। देखिए हमारे साथ दर्शक भी जुड़ने लग गए, कमेंट्स भी कर रहे लगातार। फ्लैश कर देता हूं मैं, धोनी भाई ने आखिरी ओवर में हार्दिक के साथ क्या किया, क्या कहते हैं उसको, धोनी भाई ने जो हार्दिक के साथ लास्ट ओवर में किया उसको क्या बोलते हैं। खिलवाड़ किया है, खिलवाड़ खिलवाड़ यार, इससे कुछ बड़ा वर्ड ढूंढो यार, माही ने मारा है भाई माही। अब जो दूसरा वर्ड जो आप बड़ा वर्ड ढूंढ रहे हो, बड़ा वर्ड ले नहीं सकते ना हम लोग। लग वो कौन सा गाना है माही, वे गाना जो है ना पूरा मुंबई वही गा रहा था। और आप यकीन करो जब माही हार्दिक को मार रहे थे वानखेड़े में, लोग ताली पीट रहे थे, वाह 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 वाह, ऐसा लगा जैसे रोहित का बदला माही ले रहे हैं। आज तो रोहित की तरफ से बैठेंगे, रोहित भी अपना क्या करेगा बेचारा, बाउंड्री पर खड़ा देख रहा था। यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूंगा प्रकाश सर, लगातार लोग कमेंट कर रहे हैं तो मैं कुछ कमेंट भी लेना चाहूंगा, उसके बाद फिर आप कंटिन्यू करें। सारे भाइयों के कमेंट लीजिए जो भी भाई हमारे साथ जुड़े। देखिए रॉकी, देखिए स्क्रीन पर आपके भी आ जाएगा और हम भी क्या कहते हैं यूट्यूब की स्क्रीन पर और फेसबुक जहां पे भी आप ये लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं आपको स्क्रीन पर आपके कमेंट्स फ्लैश कर रहे हैं हम। रॉकी भाई धोनी लिख रहे हैं, उसके बाद नूर नबी भाई कह रहे हैं धोनी का हम बड़का फैन है, लव यू मामी। अरे हम भी बड़का फैन है राजा नूर भाई, अरे हम लोग भी धोनी का बड़का फैन है। और धोनी जिसको रेला है ना वो हार्दिक पांड्या भाई, हमको उसको देख के खून खौल जाता है, खून खौलता है, उसका क्या कारण है जान ही रहे हैं हम। बाकी धोनी का बड़का फैन इस देश में हर क्रिकेट प्रेमी है मेरे भाई। बहुत बहुत शुक्रिया नूर भाई आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और रोज जुड़िए ऐसा ही सब रोज मिलेगा आपको हमारे यहाँ। और यहाँ पे नूर नबी आलम भाई कमेंट कर रहे हैं हार्दिक आज धरा गया, आज तो धरा गया भाई, धरा ऐसा गया कि ऐसा चापा माही भाई, ऐसा चापा है कि भूत उतार गया कसम से। और सबसे देखो ठाकुर आज सबसे बुरी बात क्या है ना कि हार्दिक पांड्या एज अ ऑलराउंडर है ना भारतीय टीम के साथ भी और मुंबई के साथ भी, एमएसडी की टीम में भी एक ऑलराउंडर खेलता है वो, क्या नाम है का, शिवम दुबे। शिवम दुबे ने हार्दिक के पहले ओवर में पहली 4 गेंदों पर 3 चौके मारे हैं यार। तो हार्दिक पांड्या को अब कोई ऑलराउंडर भी मानने को तैयार नहीं है भाई। समय आदमी का जब खराब चलता है देखो कितना खराब चलता है। हार्दिक को वानखेड़े के लोग जो वहां दर्शक आ रहे हैं वो बू कर रहे हैं, हार्दिक कुछ भी करता है दर्शक करते बू, ये वाली आवाज बू। नीता अंबानी दिख जाए स्क्रीन पर लोग कहने बू, और वो मुंबई का राजा रोहित शर्मा मुंबई का राजा। अरे यार रोहित दिख रहा है तो भी मुंबई का राजा रोहित शर्मा, आकाश अंबानी सामने दिख जा रहे हैं, नीता अंबानी तो एक मैच में मुझे याद है उनको मैदान छोड़ के बाहर जाना पड़ा, लोगों ने इतना बू किया। तो आज तो बू महेंद्र सिंह धोनी ने किया है, धोनी को थोड़ा सोचना चाहिए था भाई, जूनियर है यार बेचारे का टाइम वैसे ही खराब चल रहा है, आखिरी ओवर में पकड़ लिया, अरे यही सोच के छोड़ देता है कि हमारा भारतीय गेंदबाज है यार। मैच से पहले तो और सबसे बड़ी बात है चेला, और सबसे बड़ी बात है हार्दिक जो है धोनी को अपना गुरु मानते हैं, गुरु ने बता दिया चेले को, गुरु गुर रह गए, चेला चिन्नी होना चाहते थे नहीं हो पाए। हार्दिक भाई आज बिहारी लपेटे में आ गए, धरा गए बस, बिहारी लिट्टी चोखा का पावर दिखाया माही ने। ये आकार हरित है कह रहे माही इज बेस्ट, माही मार रहा भाई, माही रेल बना दिया भाई हार्दिक पांड्या को यार, रेल बना दिया। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए लगातार हम आप लोगों को कमेंट, आप लोगों के कमेंट भी ले रहे हैं तो आप लोग कमेंट भी करिए, और उसके बाद आप हमारे देखिए व्हाट्सएप चैनल पर भी जुड़िए। ठाकुर ये भी पूछो जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनसे ये भी पूछो कि माही जब हार्दिक पांड्या की रेल बना रहे थे तो दर्शकों को मजा आ रहा था कि नहीं आ रहा था, या फिर हार्दिक पांड्या के लिए बुरा तो नहीं फील हो रहा था ऐसा। मैं चाहूं देखिए दर्शक जो है वो लगातार कमेंट कर रहे हैं,
और मैं सभी कमेंट जो है वो फ्लैश कर रहा हूँ। क्रिकेट का गॉड रॉकी भी लिख रहे, क्रिकेट का गॉड, और ये महेंद्र सिंह धोनी के लिए ही लिख रहे। और देखिए, अब क्रिकेट का गॉड तो खैर सचिन तेंदुलकर को कहा जाता है, लेकिन इस समय एक्टिव गॉड तो महेंद्र सिंह धोनी देखो है। ठाकुर, आपको एक चीज समझना पड़ेगा, जिस उम्र में महेंद्र सिंह धोनी खेल रहे हैं और जिस उम्र में उन्होंने ये छक्के लगाए हैं ना, वो बहुत बड़ी बात है। आखिरी ओवर में आना, वो प्रेशर लेना और आखिरी ओवर में 3 या 4 छक्के जड़ देना, भाई बहुत बड़ी बात है। जरा एक बार फिर से हमारे जी दर्शकों को बता दो कि हार्दिक पांड्या को महेंद्र सिंह धोनी ने आखिरी ओवर में कितना रन कूटा है। बिल्कुल, आखिरी ओवर में तो भाई धागा खोल दिया है। 3 छक्के हैं, एक से एक चौका है, एक दुक्का है, 2 वाइड बॉल है और एक विकेट भी है, एक विकेट भी है, लेकिन बट वही है ना कि भाई वो विकेट फीका पड़ गया। हार्दिक पांड्या क्या क्या करके आते हैं, ये पट्टा बांध के आते हैं, इतना बड़ा, इधर टेप, पूरे शरीर में टेप है यार उसको। उसको बताओ, टेप या पट्टे से गेंदबाजी नहीं होगी या बैटिंग नहीं होगा, और सामने धोनी इतना हवाबाजी, सारी हवाबाजी उतार दी। भाई हमारे यहाँ बिहार में एक कहावत है, काम ज्यादा करिए दिखाइए कम, हवाबाजी ज्यादा कर रहे हैं हार्दिक पांड्या मैदान में यार। हमने बहुत सारे, ठाकुर ये बताओ कि हार्दिक पांड्या जिस गेटअप में मैदान में आते हैं, वैसे गेटअप पे कितने क्रिकेटर को देखते हो तुम? हाँ, क्या कह रहे हो आप सर, कुछ टेक्निकल वो हो गया था। हार्दिक पांड्या जिस तरह की गेटअप में मैदान में आते हैं, वह उस तरह के टार्जन लुक में कितने बॉलरों को या बैट्समैन को देखते हो तुम? एक है ना कृणाल पांड्या, उनके बड़े भाई ये अरे बाउंसर यार, तो था कुणाल को इसने बिगाड़ा है, कुणाल को इसने खराब किया अपने भाई को। कुणाल को इसने खराब किया, सही बात है। देखिए दर्शकों को मैं ये बताना चाहूंगा कि भाई आप लोगों के लिए तो व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी है, कमेंट सेक्शन से आप लोग व्हाट्सएप चैनल का लिंक लेकर वहां हमारे चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। पिच रिपोर्ट हो चाहे फैंटेसी 11 हो, तमाम जो चीजें मुझे हैं ये वो लग रहा आपको ठाकुर मैच कि से आज जब रिलेटेड। हार्दिक को मार पड़ रही होगी तो हार्दिक का मन तो किया होगा कि जाके एक बार धोनी भैया के कान में, भैया यार हल्का हाथ रखो यार, क्या कर रहे हो भैया, टाइम खराब चल रहा है, ऐसे ही सब रेल बना दे रहे भैया यार। लेकिन वो मौका आज धोनी ने दिया ही नहीं बिल्कुल, आज धोनी और ने टाइम मौका भाई दिया ही नहीं। खराब देखिए आज यार, इस उम्र में धोनी ने हार्दिक पांड्या को ऐसे ऐसे छक्के मारे, पहला सामने मारा था ना, पहला छक्का सामने, पहला, हाँ पहला पहला सामने मारा था, और शुरुआत तो छक्के वही यार। अपना क्या कहते हैं, बैक टू बैक 3 छक्के लगा दिए थे। हम देखिए, हम जब मैच देख रहे थे, फैंस भी जो सोशल मीडिया पर भी लगातार जो बातें करते हैं कि भाई अगर 2 4 बॉल मतलब जैसे आज आए थे, जैसे 4 गेंदों के लिए आए थे, सिर्फ 4 गेंद खेलने के लिए आए थे, हम सोच रहे थे कि भाई 2 सिक्स भी लगा दे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और उन्होंने दर्शकों शुरुआती आप याद 3 बॉल में, रखो, ये जो मुंबई इंडियंस के कप्तान है, जो मुंबई की टीम ने बड़े दिमाग लगाकर बड़ी वैज्ञानिक खोज के साथ हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया, हार्दिक पांड्या ने आज अपनी बॉलिंग लाइनअप पे 3 ओवर फेंके हैं ठाकुर, और रन उन्होंने दिए 43, 43 पूरा स्पेल भी नहीं हुआ हार्दिक का आज। डर गए आज। आज हार्दिक पांड्या पूरा स्पेल भी नहीं कर पाए और मार पड़ गए उनको। देखिए नूर नबी भाई का एक और कमेंट मैंने फ्लैश किया हुआ है, वो लिख रहे हैं लास्ट वाली बॉल पर भी धरा जाता तो और मजा आ जाता। हाँ ये बात तो सही है, लास्ट वाली बॉल पे भी अगर छक्का आ जाता प्रकाश सर तो फिर तो मतलब नूर आप भाई, अरे सोचिए। नूर भाई जान दो यार, अपना ही लड़का है यार, गलती सबसे हो जाती है, और अपना ही बच्चा है यार, जाने दो यार भाई, माही भाई तो धर ही लिए थे, अब क्या करिएगा, जान दीजिए, अगले मैच में देखा जाएगा। यहाँ अब ये पे सवाल है मोहम्मद, ठाकुर कि इतना सारा रन तो बनवा लिए हैं, अब रन ये बनाएगा कौन? हार्दिक हार्दिक बनाएंगे दूसरा रन? नहीं हार्दिक तो नहीं बनाएंगे, वो तो आएंगे। देखिए हार्दिक तभी मैच फिनिश कर पाएंगे जब शुरुआत से ऊपर से जो है स्कोर बनते चले ये जाए। देखो मोहम्मद मिनसार आलम ये कह रहे हैं, लोफर का अच्छे आदमी से पाला पड़ गया। भाई हम नहीं कह रहे, ये जो आमतौर पे ट्विटर और बाकी जगहों पे भाई लोग कह रहे हैं छपड़ी छपड़ी, एक तरह का उसी का वर्ड है, लोफर का अच्छे आदमी से पाला पड़ गया, मतलब MSD ने आज तो
तो भाई देखिए, लगातार आप लोगों के बीच लाइव सेशन हम करते रहते हैं। हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी आप लोग ज्वाइन करिए, कमेंट सेक्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ अभी अब और आपकी स्क्रीन पर दर्शक इस फ्लैश भी बात हो को जरूर बताएं कि क्या रोहित शर्मा का बदला धोनी ने लिया है क्या हार्दिक पांड्या से। ये भी बात सही है भाई, कमेंट करके आप लोग बताइए क्या आज महेंद्र सिंह धोनी रोहित शर्मा के बल्ले से खेल रहे थे। क्योंकि देखिए, महेंद्र सिंह धोनी छक्कों के लिए जाने जाते हैं, लंबे लंबे सिक्सेस लगाते हैं। अंतिम ओवर में आईपीएल इतिहास में लास्ट ओवर में शायद उनसे ज्यादा छक्के किसी ने भी नहीं लगाए। लेकिन भाई वो उन्होंने कारनामा दो साल 2008 में किया था, 9 में किया था, 10 में किया था, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 तक भी समझ में आ रहा था, 18, 19 भी समझ में आ रहा था। भाई 41 साल की उम्र में रेला लगा रहे हैं ठाकुर। कॉन्फिडेंस बहुत अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा आदमी को लेट उठता है। हार्दिक पांड्या महेंद्र सिंह धोनी के सामने आखिरी ओवर लेके आ गए, इसी बात से मानू का दिमाग खराब हो गया होगा यार। नहीं, देखिए इसमें उनकी कोई गलती नहीं है जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी आखिरी ओवर हार्दिक पांड्या जब कर रहे थे तब वो नहीं आए थे, उन्होंने विकेट लिया डेरिल मिचेल का, तब वो आए उसके बाद। अच्छा, यानी अगर ऐसा प्लान करके आते ज्यादा मार खाता भाई, लास्ट बॉल में बच गया ना, 2 ही रन लगे लास्ट पे। बिल्कुल बिल्कुल, गुरु 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 है और चेला चेला है। इधर आकार हरित भाई कमेंट कर रहे हैं, देखिए लगातार कमेंट्स आ रहे हैं, आप लोगों के कमेंट्स भी हम फ्लैश हाँ करते जा रहे हैं। गुरु गुरु है, चेला चेला है, यही तो बात नहीं हार्दिक मान रहा है, उसको लगता है वो रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली जैसों का गुरु है। एक आईपीएल जीतने के बाद और जो 5-5 ट्रॉफी लिए बैठा है रोहित शर्मा, वो गधा है। वो रोहित शर्मा जिसने आईपीएल में महेंद्र सिंह धोनी की टीम को हराया हुआ है, उसको कुछ नहीं आता है। हाँ, बाउंड्री पे फील्डिंग कराओगे रोहित शर्मा से? आज तो वो मजा ले लिया है माही भाई ने। धोनी धोनी धोनी, ये बात हार्दिक पांड्या को सुनाओ यार। नहीं, हार्दिक पांड्या तो तुम ही लिए होंगे, हार्दिक पांड्या भी कह रहे होंगे कि मैं वो जो मीम, वो वीडियो तो देखा ही होगा आपने और सार किसी ने देखा होगा, मैं बस रिपीट नहीं करूंगा पैराशूट वाला वीडियो, मैं जो मुंबई इंडियंस में आया। और आज तो एक और चीज मैंने देखा, रोहित भी खूब मजा ले रहे थे जब शिवम दुबे चौका लगा रहा था हार्दिक को। तो नहीं, वो शिवम दुबे देखिए, वो जो मजे ले रहे थे या जो हंस रहे थे या खुश हो रहे थे, उसके पीछे और भी लॉजिक बैठ सकती है, क्योंकि रोहित शर्मा जो है शिवम दुबे को तैयार कर रहे हैं। रोहित शर्मा केवल मुंबई के लिए नहीं खेलता, वो इंडिया का कप्तान भी है, उसको इसी T20 वर्ल्ड कप के लिए प्लेयर भी चुनने। वही वही मैं वही चीज कह रहा हूँ कि उनके दिमाग में शायद वो चीजें भी आ रही होगी कि भाई चलो, हार्दिक पांड्या से इतर अब एक ऑलराउंडर हमें मिलने जा रहा है जो तेज गेंदबाजी भी डाल ले और रन गति भी तेज उनकी। ठाकुर, हम ये बहुत क्लियर कर देना चाहते हैं कि किसी को भी हार्दिक पांड्या से दुश्मनी नहीं है इस देश में, जो भी क्रिकेट फैन है, हर कोई हार्दिक का भी फैन है, हार्दिक बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। लेकिन जिस तरह का निगोशिएशन, जिस तरह का खेल, एक टीम में जाना फिर दूसरी टीम में आना, और रोहित शर्मा के पीछे ये सब किया गया, रोहित को बगैर जानकारी दिए ये सब किया गया, इसीलिए लोगों को ज्यादा तकलीफ है इस बात की कि रोहित जैसे खिलाड़ी के साथ ये सब हुआ, और वो भी तब जब उस खिलाड़ी की कप्तानी में हम लगातार 10 मैच जीत के वर्ल्ड कप का फाइनल खेले। बिल्कुल, और बिल्कुल। वो खिलाड़ी तो बिल्कुल सेल्फलेस रहा यार, वो चाहता तो 2-4 शतक और मार सकता था इसी वर्ल्ड कप में, नहीं ना, सेल्फलेस क्रिकेट खेला, वो अपने लिए नहीं खेला, वो देश के लिए खेल रहा था। और ऐसे में मुंबई इंडियंस ने उसको हटा करके हार्दिक को लाए, जबकि वो लड़का खुद मुंबई इंडियंस छोड़ के गुजरात चला गया था केवल पैसों के लिए। बावजूद ये निगोशिएशन हुआ और रोहित के पीठ पीछे हुआ। रोहित शर्मा जिस तरह का कैरेक्टर है, उसको बता के करते तो वो कुछ नहीं करता भाई। रोहित धोनी के अंदर में खेला है, रोहित विराट के अंदर खेल रहा था ना, विराट रोहित के अंदर में खेल रहा है ना, तो वो अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए भाई। बिल्कुल, चलिए अब इस लाइव सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं और मैच के बाद आप लोगों से मुलाकात करेंगे। प्रकाश सर, चर्चा करेंगे मैच के बाद कि कौन सी टीम जीत रही है। लेकिन स्ट्रीम क्या कहते हैं, ये लाइव सेशन खत्म करने से पहले जल्दी से आपकी प्रिडिक्शन जान लेता हूँ, इस मुकाबले को कौन सी टीम जीत रही है, सीएसके या एमआई,
दिल से करिएगा, हार्दिक कैप्टन है वो सोच के नहीं, सारे कुछ सोच समझ के, क्योंकि ये मैच वानखेड़े में खेला जा रहा है, ये भी ध्यान में रखिए जल्दी से। यार देखो वानखेड़े का मैदान है, दूसरा ये तो मानना ही पड़ेगा, दूसरी तरफ कप्तान भी कोई वो नहीं है, डुप्लेसिस नहीं है, महेंद्र सिंह धोनी है, तो थोड़ा सा वेट उसको देना ही पड़ेगा। पहले मैच की तरह हम लोग इसको ये कर देते हैं, मुझे ये लगता है कि ये चांस 60-40 है, 60 मुंबई की तरफ, अगर ओपनिंग जोड़ी चल गई तो पिछले मैच की तरह ये मैच बहुत दूर जा सकता है सीएसके से, लेकिन वो पहले विकेट गिरने के बाद अगर महेंद्र सिंह धोनी गेम में आते हैं मुंबई के लिए मुश्किल होगी फिर। चलिए तो आप लोगों से अब मुलाकात करेंगे मैच के बाद, फिलहाल इजाजत चाहेंगे, इस लाइव स्ट्रीम में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।